देखो यहां पर लिखा हुआ है क्या, कंडक्शन बैंड, बीच में ओवरलैपिंग बैंड हो गया, ठीक है, यानी एक दूसरे से जुड़ गए, और थर्ड नंबर पर क्या हो जाता है, यहां पर देखना जरा, वैलेंस बैंड आ जाता है। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, मैं विपुल राम शर्मा एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से परिवार ऑफिशियल वेपी क्लासेस में। दोस्तों आज लेकर आए हैं आपके लिए एक नया चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, 12th क्लास CBSE प्लस यूपी बोर्ड के लिए यहां पर आपको पढ़ाते हैं। तो बात करते हैं आज के चैप्टर के, एक बहुत ही मजेदार टॉपिक में आपको लेकर के आया हूं, और इसी ठंड में, इसी कड़ाके की ठंड में क्या मजा है अपने घर में बैठ के पढ़ने का, वो भी हमारे साथ, ठीक है। चलिए, आशा करता हूं सभी चैप्टर्स की तरह ये चैप्टर्स भी आपको बहुत ईजी और स्लो वे में मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक एक चीज आपको बहुत टॉपिक वाइज क्लियर होंगी, ठीक है। अच्छा, 12th वालों के लिए मैं चीज बताने वाला हूं कि 12th क्लास के बच्चों के लिए जिनके सिलेबस कंप्लीट हो चुके हैं, जो मुझसे पढ़ रहे हैं उनका तो भी बचा हुआ है क्योंकि हमने लेट स्टार्ट किया है, लेकिन जिन बच्चों ने अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होकर कंप्लीट कर लिया सिलेबस, उन बच्चों के लिए प्रीवियस ईयर की एक सीरीज में लेकर के आ रहा हूं, उस सीरीज को देखना बिल्कुल ना भूले। और उम्मीद है जनवरी 2023 के फर्स्ट वीक में ये स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो लगभग उसमें हर चैप्टर के आपको दो दो क्लासेस मिलेंगे, यानी अगर 14 चैप्टर्स अगर आपके पास हैं तो 30 के समथिंग आपको क्लासेस मिल पाएंगे, ठीक है ना, और उसमें प्रीवियस ईयर आपके कंप्लीट हो जाएंगे, तो उस सीरीज को बिल्कुल तरीके से देखें आप, ठीक है। तो बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में, देखें यार चैप्टर नंबर 14 हमारा स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है। देखो सीधी सी बात करते हैं, यहां पर हम स्टडी क्या करने वाले हैं, पहले इसके बारे में सिलेबस भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर इसका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जितने भी हम अपने डेली यूज में यूज करते हैं वो नहीं, वो उससे रिलेटेड नहीं करता है, उनका सिस्टम क्या क्या है, जिन सिस्टम पर वो काम करते हैं वो सिस्टम हमको यहां पर स्टडी करना है। आगे बात समझ में, इतनी बात क्लियर है सभी को। चलो अब इसका सिलेबस हम यहां पर देख लेते हैं कि सिलेबस में क्या क्या आने वाला है। बच्चा लोग देखिए जरा स्क्रीन पर, आपको दिखाई दे रहा है, अगर हम बात करें तो स्क्रीन पर क्या क्या दिखाई दे रहा है, सबसे फर्स्ट हेडिंग है इसका एनर्जी बैंड्स इन कंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर्स, सेकंड टॉपिक हो जाता है इसका इंट्रिंसिक इंसेंट्रिक एंड एक्सेंट्रिक सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। थर्ड पॉइंट हो जाता है पी टाइप एंड एन टाइप जंक्शन जो होते हैं। फोर्थ हो जाता है सेमीकंडक्टर्स डायोड आई एंड वी कैरेक्टरिस्टिक्स इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस, ठीक है, सारी चीजें मैं आपको कराऊंगा। नंबर 5 पर आ जाता है एप्लीकेशन ऑफ जंक्शन डायोड, और 6 नंबर पर आ जाता है डायोड एज एन रेक्टिफायर। इतना ही बच्चा लोग हमारे सिलेबस में इस चैप्टर में, जिनको हम एक एक हेडिंग करके स्टडी करेंगे। क्लियर आ गई बात समझ में। चलो तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की जबरदस्त तरीके से, है ना। देखेंगे जरा, अगर हम बात करें यहां पर, देखेंगे जरा सबसे पहले अगर मैं आपको बताता हूं, यहां से स्टार्ट कराता हूं मैं आपको, क्लासिफिकेशन ऑफ मेटीरियल, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं, फिर फर्स्ट हेडिंग से देखेंगे हम जो भी मैंने अभी आपको कराया था, ठीक है, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग बताया था उन हेडिंग के अकॉर्डिंग मैं आपको चैप्टर को स्टडी कराऊंगा, उनसे पहले ही लिखना बहुत जरूरी है। अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ मेटीरियल की, तो यह सीधी सी बात आ जाती है कि मेटीरियल के क्या क्या क्लासिफिकेशन होते हैं। देखो याद रखेंगे क्या, अब यहां पर याद रखेंगे, देखो ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी मेटीरियल्स डिवाइड इंटू थ्री पार्ट्स। कौन कौन से थ्री पार्ट हम स्टडी करेंगे यहां पर बच्चा लोग देखें, अगर मैं बात करूं फर्स्ट पढ़ेंगे हम कंडक्टर, क्लियर आगे बात समझ में। सेकंड पढ़ेंगे हम इंसुलेटर, ठीक है, और थर्ड पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर। अगर मैं बात करूं अपने चैप्टर की, तो इस चैप्टर में देखो जरा, इस चैप्टर में हमको सबसे ज्यादा, अगर मैं पूछूं आपसे इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या, स्टडी क्या करना, तो याद रखना ये पूरा का पूरा चैप्टर बच्चा लोग हमारा कंप्लीट डिपेंड करता है सेमीकंडक्टर के ऊपर। आगे बात समझ में आ रही, इस सेमीकंडक्टर के ऊपर हम सारी चीजें यहां पर स्टडी करेंगे, जितने भी डिवाइस की टेक्नोलॉजी हम पढ़ेंगे, सारे प्रोसेस जो स्टडी करेंगे वो सब किसके ऊपर करेंगे, इस सेमीकंडक्टर के ऊपर। लेकिन इसके साथ साथ हमें इसके भाई बहनों को भी पढ़ना पड़ेगा, किसका भाई कौन है और इसकी बहन कौन है, तभी तो हम इस फैमिली को समझ पाएंगे कि यह है क्या, है ना, और तभी हम डिवाइसेस को देखेंगे कि प्रोसेस क्या बनेगा। चलो तो बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं बड़े भैया से, और बड़े भैया सामने दिखाई दे रहे हैं कंडक्टर। क्लियर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं समझ में, देखना जरा। अगर मैं आपसे पूछूं क्या, देखो कंडक्टर क्या होता है,
इसको आप ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, थोड़ा सा डिले हो जाएगा। देखो कंडक्टर क्या होते हैं, इसको याद रखेंगे द मेटीरियल, या इसको ऐसे लिख सकते हैं अ सब्सटेंस इन विच करंट फ्लोज इजली आर कॉल्ड कंडक्टर। आर एस समझ में क्लियर, यानी कंडक्टर्स कौन होते हैं, कंडक्टर्स वे मटेरियल होते हैं, वे सब्सटेंस होते हैं बच्चा लोग, जिनमें करंट इजिली फ्लो हो सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें कॉपर, सिंपल सी बात करते हैं, कॉपर में करंट आराम से फ्लो हो जाता है। क्लियर आ गई बात समझ में आने, ठीक है। तो एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूं तो यहां से याद रखना एफ ई हो जाता है, ए एल हो जाता है और सी ओ हो जाता है, और भी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल होते हैं। आगे बात समझ में नहीं आई, अब यहां से दो बातें आप याद रखेंगे क्या, पहली बात आपको याद रखनी है क्या, देखो रेसिस्टिविटी। अगर मैं पूछूं आपसे, आपको जो याद रखना है केवल मैं वही चीज लिखा रहा हूं, अगर रेसिस्टिविटी आपसे पूछी जाए तो रेसिस्टिविटी यहां से याद रखना आप कितना होता है, 10^-8 ओम इंटू मीटर से 10^-6 ओम इंटू मीटर होता है। क्लियर है, और रेसिस्टिविटी क्या होता है, रो, ये मैंने आपको बताया था, आप ऑफलाइन क्लास में मैंने पढ़ाया था, अभी तो आपको फर्स्ट बुक का नहीं बताया मैंने यूट्यूब पर, तो आपको इस चीज के बारे में थोड़ा नहीं पता होगा, जिन बच्चों ने फर्स्ट बुक अच्छे से कंप्लीट कर रखी है उनके लिए बता देता हूं रेसिस्टिविटी क्या होता है, रो। क्लियर आगे बात समझ में, यानी कंडक्टर्स के लिए बात याद रखना क्या, कंडक्टर्स के लिए याद रखना जो सिग्मा होता है उसकी वैल्यू तो होती है ज्यादा, और जो रो होता है उसकी वैल्यू होती है कम। अब हमको ये बात पता है क्या कि रो और सिग्मा क्या होते हैं एक दूसरे के, बताना जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं क्या कि रो और सिग्मा क्या होते हैं एक दूसरे के, इनवर्सली होते हैं कि नहीं होते हैं, बताना जरा, दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं या नहीं। अगर मैंने आपको बता दिया कि रेसिस्टिविटी, देखो याद रखना सिग्मा जो होता है वो इनवर्स होता है 1/रो का, आगे बात समझ में आई, यानी रेसिस्टिविटी अगर मैं बता रहा हूं किसी की कम है ना, तो रेसिस्टिविटी कम है यानी उसमें रेसिस्टेंस कम है, यानी कि उसके अंदर जो कंडक्टिविटी होगी ये कंडक्टिविटी है, याद रखना। अगर ऐसे ये रेसिस्टिविटी है, क्लियर आ रही है बात समझ में, अगर रेसिस्टिविटी कम है और ये दोनों इनवर्स है तो सीधी सी बात, यह कंडक्टिविटी क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। बात करते हैं नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर में क्या चेंज होता है देखना जरा। अब इंसुलेटर को आप याद रखेंगे क्या, आ सब्सटेंस इन विच करंट कांट बी फ्लो, ठीक है, आर कॉल इंसुलेटर। आगे बात समझ मैंने, भैया बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, इंसुलेटर कौन होते हैं जिनके अंदर करंट क्या होता है, फ्लो नहीं होता बिल्कुल, या कम या ज्यादा नहीं, बिल्कुल हो ही नहीं पाता। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहां पर रबर आ जाता है और प्लास्टिक आ जाता है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में, बताना जरा, इतनी बात आ रही है कि नहीं आ रही है समझ में, यहां तक की बात क्लियर है। इंसुलेटर क्या होते हैं, रेजिस्टेंस इन विच करंट कांट बी फ्लो, यानी करंट बिल्कुल भी फ्लो नहीं हो सकता, कभी या ज्यादा की मैं बातें नहीं कर रहा हूं, जिनमें करंट बिल्कुल फ्लो नहीं होगा उनको क्या बोलेंगे, इंसुलेटर बोलेंगे, और जिनमें बिल्कुल फ्लो हो जाएगा उनको कंडक्टर बोलेंगे आप लोग। क्लियर आ गया बात समझ में, और याद रखना अगर मैं यहां से बोलूं, अगर रेसिस्टिविटी की बात पूछूं तो रेसिस्टिविटी क्या हो जाती है, 10^8 से 10^14 ओम इनटू मीटर, याद रहेगी बात। और यहां से एक बात नोट करके आप लिखेंगे क्या, देखो यहां से एक बात नोट करके आपको याद रखनी है, रेसिस्टिविटी क्या है यहां पर बताओ, ज्यादा है, और रेसिस्टिविटी अगर ज्यादा है तो सिग्मा कैसा हो जाएगा बोलो, कम होगा कि नहीं होगा, भाई सीधी सी बात है, अगर रेसिस्टिविटी ज्यादा है तो सिग्मा कैसा हो जाएगा बच्चा लोग, कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताना जरा, ये रेसिस्टिविटी हो गया और ये कंडक्टिविटी हो गया। क्लियर आ गया बात समझ में, यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएं जल्दी जरा, क्लियर है बात, यहां तक की बात एकदम क्लियर है, ठीक है, समझ में आ गई बात।
चलिए जरा अब आगे की बात को स्टार्ट करते हैं। क्या देखो सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, सब्सटेंस। इसमें क्या था, बहुत ज्यादा थे, इसमें क्या था, बिल्कुल भी नहीं थे। और इसमें क्या होगा, आ सब्सटेंस इन विच फ्यू इलेक्ट्रॉन्स फ्लो एंड इट्स कंडक्टिविटी लेस देन कंडक्टर। आगे बात समझ में नहीं आ गई, यानी कहने का मतलब यह है सेमी कंडक्टर क्या होगा, बिल्कुल मिडिल का हो जाएगा, दोनों के फ्लो हो जाएंगे लेकिन किसमें क्या होंगे, लेकिन याद रखना फ्यू इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कहने का मतलब यह बहुत कम इलेक्ट्रॉनों की वजह से इसमें करंट कभी फ्लो हो जाएगा, कभी चलना बंद हो जाएगा, यानी आधा कंडक्टर हो जाएगा, हाफ कंडक्टर और हाफ इंसुलेटर से मिलके क्या बनते हैं बच्चा लोग, सेमी कंडक्टर बनते हैं। आ रही है या नहीं आ रही है बात समझ में, बताना जरा, क्लियर आ गई बात समझ में, नहीं आ गई। अगर इसकी रेसिस्टिविटी की बात करो तो कितना हो जाता है, 10^-ohm into meter से 10^4 ohm into meter हो जाता है। क्लियर है बात, यहां तक की बात समझ में आ गई। इस तरीके की बात में कोई दिक्कत हो तो बताएं जरा, एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल हो जाता है सिलिकॉन और जर्मेनियम, इससे अलग भी बहुत सारे होते हैं लेकिन स्पेशली यहां पर आपको यही पढ़ाए जाएंगे सिलिकॉन और जर्मेनियम। याद रखना सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या होते हैं, ये कौन होते हैं, सेमी कंडक्टर होते हैं, इन्हीं के बारे में आप स्टडी करेंगे। यहां तक की इनकी बात, यहीं इन सबको यहीं पर टाटा बाय बाय बोल देंगे। अब आगे जो स्टार्ट होगा वो यहां से स्टार्ट होगा सेमी कंडक्टर से। क्लियर आगे बात समझ में नहीं आगी, यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताए जल्दी यार, फिर इससे आगे की बातों को हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चा लोग, चलिए आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, क्लियर होंगी एकदम से। चलो आगे बात स्टार्ट करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, बाकी फिर मैं आगे चीजों को स्टार्ट करता हूं। देखिए जरा अब देखो जरा, अब आपका जो मैंने आपको सिलेबस लिखा था उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम यहां पर स्टडी करेंगे। सेमीकंडक्टर आपको मैंने बताई दिया है कौन कौन होता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम, SI और GE, ये सेमीकंडक्टर का काम करेंगे, बाकी इनके अलावा कुछ इसमें आपको याद नहीं रखना है। समझ में आ गई बात, चलो अब देखो एक बात याद रखना, क्या देखो अगर मैंने आपको स्टार्टिंग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में एनर्जी लेवल बताया था, यानी हर इलेक्ट्रॉन का अपना एनर्जी का एक लेवल होता है जिसके अंदर वो कंटिन्यू क्या करता है, रिवॉल्विंग करना स्टार्ट कर देता है। समझ में आ गई बात, अब याद रखना कोई भी बैंड क्या होता है, मैं आपको बता देता हूं, जहां पर यानी ऐसा समझ लिया ग्रुप ऑफ रेज, बहुत सारे तरंगों का जो समूह होता है उसको बैंड बोला जाता है। समझ में आ गई बात, ठीक है, जैसे स्पेक्ट्रम बैंड आपने पढ़ा था है ना, अब देखो जरा सुनो ध्यान से, यहां पर एनर्जी का स्पेक्ट्रम हम पढ़ेंगे। देखो कोई भी बैंड कंटिन्यूअसली रिप्रेजेंटेशन करने के लिए अपने अंदर क्या बनाता है, बैंड्स बनाता है अलग अलग तरीके के। क्लियर आगे बात समझ में, उसी को क्या बोला जाता है, एनर्जी बैंड बोला जाता है, जिसको हम यहां पर स्टडी करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। क्लियर है, बहुत सारे बच्चों के डाउट बने रहते हैं कि एनर्जी लेवल हमको समझ में नहीं आता है, एनर्जी बैंड समझ में नहीं आता है, लेकिन इस क्लास को पढ़ लें ये अमृत है, और इसके बाद आपका कोई सवाल यहां पर जीवित नहीं रहेगा। ठीक है चलिए आज बात स्टार्ट करते हैं। आगे देखिए स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, अगर मैं बात करूं एनर्जी बैंड, और एनर्जी बैंड्स में क्या लिखा हुआ है, ईच एनर्जी लेवल स्प्लिट्स इनटू अ नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स, यानी जितने भी एनर्जी लेवल होते हैं वो स्प्लिट्स हो जाते हैं, ये डिवाइडेड हो जाते हैं, ऐसा आप बोल सकते हैं, अ नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स फॉर्मिंग अ कंटीन्यूअस, कोई भी बैंड कोई भी ऑर्बिट अपने एनर्जी बैंड्स को कंटिन्यू रखने के लिए वो डिवाइड हो जाता है, स्प्लिट्स हो जाता है अलग अलग डिवाइडेशन में। क्लियर है, इन्हीं को क्या बोला जाता है, एनर्जी बैंड बोला जाता है। अब देखिए स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है, अगर मैं देखूं यहां पर एक बात आपको यहां से समझ में आ रही होगी, देखिए जरा देखो जी स्क्रीन पर क्या लिखा है जरा आपको, अगर मैं पूछूं आपसे, देखो दो तरीके के बैंड आपको यहां से दिखाई दे रहे हैं, एनर्जी वैलेंसी बैंड दिखाई दे रहा है और कंडक्शन बैंड दिखाई दे रहा है, दोनों को स्टडी करते हैं, दो के बीच में ही आपसे पूछा जाएगा। ठीक है चलिए जरा अब देखिए जरा आगे, अगर मैं वैलेंसी बैंड पूछूं आपसे तो द हाईएस्ट एनर्जी फील्ड विद वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वैलेंस बैंड, यानी कहने का मतलब यह हुआ, क्या बात बताएगी कि हाईएस्ट एनर्जी को का लेवल जो है फील्ड विद वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, अगर वैलेंसी के इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी के इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, या तो डोनर होते हैं या एक्सेप्टर होते हैं,
अगर वैलेंसी के इलेक्ट्रॉन कहां पर चले जाए, हाईएस्ट एनर्जी लेवल पर चले जाए, तो उसी को उसे क्या बोलते हैं, वैलेंस बॉन्ड बोला जाता है। क्लियर आगे बात समझ में। अगर मैं पूछूं आपसे क्या कंडक्शन बैंड क्या होता है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको क्या लिखा हुआ है सामने, देखिए द लोवेस्ट अनफिल्ड अलाउड एनर्जी बैंड नेक्स्ट टू वैलेंसी बैंड इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। और याद रखना सबसे ऊपर कौन होता है, कंडक्शन बैंड होता है, और सबसे नीचे कौन होता है, वैलेंसी बैंड होता है। इनके बीच में जितना भी पार्ट बचा हुआ होता है उसी को एनर्जी गैप बोला जाता है। वैलेंसी बॉन्ड में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं, समझ में आ रही बात, और कंडक्शन में कंडक्टर वाले मिलेंगे आपको। क्लियर है बात, देखिए जरा अब अगला हेडिंग देखें जरा, अगला हेडिंग आपको दिखाई दे रखा है, देखो जरा लिखा हुआ सामने एनर्जी गैप या एनर्जी बैंड गैप, ये अभी अभी मैंने आपको बताया। देखिए जरा अगर मैं यहां पर क्लियर भी कर देता हूं, ये वैलेंस हो गया और ये कंडक्शन, ये वैलेंसी बैंड हो गया और ये कंडक्शन, इन दोनों के बीच में जो रास्ता बचा हुआ है आगे बात समझ में, इसी को क्या बोला जाएगा, गैप बोला जाएगा, एनर्जी गैप या एनर्जी गैप बैंड। आगे बात समझ में नहीं आई, क्लियर आ रही है बात समझ में, चले जरा देखिए जरा स्क्रीन पर लिखा हुआ क्या, द गैप बिटवीन द टॉप ऑफ वैलेंसी, वैलेंसी बॉन्ड के टॉप पर, भाई वैलेंस क्या होता है, वैलेंसी बॉन्ड के टॉप पर, ठीक है, और कंडक्शन बॉटम, टॉप पर कौन है वैलेंसी बॉन्ड और बॉटम में कौन है कंडक्शन बॉन्ड, दोनों के बीच का जो पाथ होगा उसी को बोला जाएगा एनर्जी गैप बैंड। क्लियर है, और यहां से क्या बताएगा, द गैप बिटवीन द टॉप ऑफ वैलेंसी बैंड एंड बॉटम ऑफ द कंडक्शन इन विच नो अलाउड एनर्जी लेवल फॉर इलेक्ट्रॉन्स कैन एग्जिस्ट इज कॉल्ड, केवल इलेक्ट्रॉन ही एंटर कर सकते हैं, इज कॉल्ड एनर्जी बैंड गैप। आगे बात समझ में कि नहीं आ गई, बताना जरा यहां तक की बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। चलो जी अब इससे आगे की अगर मैं बात बोलूं, देखना जरा इसके आगे का नोट लिखा हुआ, उस नोट को आप ध्यान से देखेंगे सामने क्या लिखा हुआ इसके बाद नोट में, ऑल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, ठीक है, फॉर शोइंग कंडक्टिविटी। भाई अगर आपको कंडक्टिविटी दिखानी है तो आपको कहां जाना पड़ेगा, कंडक्शन बैंड में जाना पड़ेगा। समझ में आ रही है नहीं आ रही, भाई आपको पहलवानी दिखानी है तो क्या करना पड़ेगा, आपको अखाड़े में जाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, बिल्कुल ऐसे यहां पर आपको बताना है, ठीक है ना भाई, आपको दिखाना कि मैं बहुत तेज दौड़ता हूं तो आपको कहां जाना पड़ेगा, दौड़ में दौड़ना पड़ेगा कंपटीटर के साथ, बिल्कुल ऐसे यहां पर। अगर कोई भी ऑटम चाहता है कि मुझको कंडक्टिविटी अपनी रिप्रेजेंट करानी हो तो उसको कहां जाना पड़ेगा, वैलेंस बैंड से मूव करना पड़ेगा कंडक्शन बैंड की ओर। इतनी बात क्लियर है, यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए जरा स्क्रीन पर ये बात लिखी हुई है, ऑल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड फॉर शोइंग कंडक्टिविटी, सो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। तो याद रखना वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की ओर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर होता है, यह बात याद रखना, ठीक है। चलो अब मैं आपको बता देता हूं उससे आगे की कुछ चीजें, अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस। जितने भी सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा था उनके मटेरियल के बेस पर मैंने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया था स्टार्टिंग में, बच्चा लोग आप जानते होंगे कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। अब उन सभी की प्रॉपर्टीज को हम स्टडी करेंगे इस एनर्जी बैंड के अकॉर्डिंग, है ना, किसमें कितना एनर्जी बैंड बनेगा ये हम यहां पर देखेंगे। देखिएगा सबसे नंबर वन स्टार्ट करेंगे आप, इसको मैं लिख देता हूं, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड ब्लॉक सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड्स। क्लियर है बात भैया, देखिए अब तीनों को आपको अलग अलग मिलेंगे। सबसे नंबर वन की अगर हम बात करें, सबसे एंड में इसका डायग्राम भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। नंबर वन देखें, इन कंडक्टर्स, और कंडक्टर्स में क्या लिखा हुआ है बच्चा लोग देखें स्क्रीन पर आपके लिखा हुआ है, अगर मैं कंडक्टर्स की बात करता हूं तो लिखा हुआ है देयर इज नो एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंसी बैंड एंड कंडक्शन बैंड, बोथ द बैंड्स आर ओवरलैपिंग बैंड, ओवरलैपिंग का मतलब जुड़ गए दोनों, फिर दोनों के बीच में गैप नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, गैप नहीं है तो दूर दूर नहीं रहेंगे, दोनों के दोनों क्या होंगे जुड़ जाएंगे। क्लियर आ गया, गैप होता तो क्या होते, भाई दोनों के बीच में गैप है इसका मतलब क्या है, कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगी, और ये कुछ भी गैप नहीं है तुरंत मिल गए,
इसका मतलब क्या कहेंगे आप कि यहां पर क्या है ओवरलैपिंग, इसको बोलेंगे ओवरलैपिंग, जो ऊपर से नीचे तक बिल्कुल मिल जाए उसको बोलते हैं ओवरलैपिंग। ठीक है, तो कंडक्शन बैंड में क्या होता है ओवरलैपिंग होता है, याद रखेंगे आप। सेकंड देखते हैं इंसुलेटर, और इंसुलेटर में क्या लिखा हुआ है देयर इज अ लार्ज एनर्जी गैप बिटवीन द वैलेंसी बैंड ठीक है एंड कंडक्शन बैंड, दिस लार्ज गैप इज कॉल्ड फॉरबिडन जोन। क्या बोलते हैं इसको फॉरबिडन जोन बोलते हैं, इंसुलेटर के बीच में जो गैप बनता है वैलेंस के और कंडक्शन के उसको बोलते हैं फॉरबिडन गैप। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप। दस नन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स कैन रीच फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। देखो जहां पर इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे भाई, जो मिल गया उसके तो दाएं दाएं इलेक्ट्रॉन जाएंगे, वो कंडक्टर हो गया, लेकिन जिनके बीच की दूरी इतनी ज्यादा हो गई कि इसका इलेक्ट्रॉन वहां तक पहुंच ही नहीं रहा, इसका मतलब क्या होगा जब इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेगा तो करंट भी फ्लो होने वाला बच्चा लोग यहां पर नहीं है। आगे बात समझ में नहीं आई, आप समझ रहे मेरी बात को, मैं आपको क्या बता रहा हूं, ये बहुत सिंपल सी बातें हैं, है ना। चलिए तो क्या लिखा हुआ, नन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स कैन रीच फ्रॉम वैलेंसी बैंड टू कंडक्शन बैंड, सो द करंट इज नॉट अ फ्लो दैट मेक द मेटीरियल इज इंसुलेटर, है ना। यही प्रॉपर्टी वो क्या बनाएगी, मेटीरियल को इंसुलेटर बनाएगी। क्लियर आगे बात समझ में आने लगी। चलिए अब आगे की बात को स्टार्ट करते हैं। देखिए ना, अगर मैं बोलूं यहां से क्या थर्ड हो जाता है सिंक सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर में क्या लिखा हुआ है देयर इज अ स्मॉल एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंसी बैंड एंड कोवेलेंट बॉन्ड, इनके बीच में एक स्मॉल गैप होता है। व्हेन इलेक्ट्रॉन ऑफ वैलेंसी बैंड गेट्स दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी दे मूव फ्रॉम द वैलेंसी बैंड टू कोवेलेंट बॉन्ड, और क्या क्या आता है सिलिकॉन आ जाता है, और सिलिकॉन का एनर्जी गैप भी यहां पर दिया गया 1.1 इलेक्ट्रोवोल्ट होता है। क्लियर है कि नहीं है बताना जरा, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात, यहां तक कि ये क्लियर हो गई आपको। चलो जी आगे देखते हैं, बिल्कुल मजे के साथ पढ़ेंगे आप, बिल्कुल टेंशन लेने का नहीं। दे प्यार दे। चलो जी क्लियर आगे बात समझ में, यहां तक की बात सही है आपको, बिल्कुल। जब भी मूड ना करे पढ़ने का तो गाने गा लिया करो, समझ में आ गई बात या नहीं, या गाने सुन लिया करो। किसी को गाने का शौक होता है, किसी को सुनने का शौक होता है, मुझको गाने का है। आप मतलब कहने का मतलब ये है कि मस्त रहो, मस्त रह के जितना पढ़ोगे, क्योंकि पढ़ाई बहुत सिंपल चीज है, याद रखना। किसी के यहां मजदूरी करने से ज्यादा भी सिंपल है किताब को पढ़ना। अब आपको मेरी ये बात थोड़ी अजीब लग रही होगी, लेकिन ये सही बात मैं आपको बता रहा हूं, इसको अप्लाई करना अपनी लाइफ में। किताब को पढ़ना, किताब के अंदर जितने भी पन्ने और जितनी भी लाइनें लिखी हुई है उनको पढ़ना और समझना सबसे ज्यादा आसान काम है दुनिया का, समझ में आ गई, अगर आपका मन है तो। नहीं तो सबसे भारी कर यही है, है जैसा कि मैं देखता हूं नॉर्मल बच्चों को। चले बात करते हैं आगे की। देखिए बच्चा लोग, तो इस वीडियो को मैं लास्ट यहां पर एंड करने वाले हैं, इससे पहले मैं आपको एनर्जी गैप दिखा देता हूं, ठीक है, किस किस तरीके से हमारे एनर्जी बैंड बनेंगे। देखिए जरा, क्लियर आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखो यहां पर लिखा हुआ है क्या, कंडक्शन बैंड बीच में ओवरलैपिंग बैंड हो गया, ठीक है, यानी एक दूसरे से जुड़ गए। और थर्ड नंबर पर क्या हो जाता है, यहां पर देखना जरा, वैलेंस बैंड आ जाते हैं। फर्स्ट पार्ट को देखिए, तो फर्स्ट पार्ट में आपको दिखाई दे रहा है कंडक्शन बैंड। देखो कंडक्टर में क्या हो रहा है, ऊपर वाला एक पोर्शन है और नीचे वाला पोर्शन क्या वैलेंसी बैंड, और दोनों आपस में जुड़ गए, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन धाएं धाएं ऊपर नीचे जा रहे हैं, जबरदस्त तरीके से करंट फ्लो हो रहा है। सेकंड डायग्राम पे आ जाते हैं, सेकंड डायग्राम में क्या दिखाई दे रहा है आपको, इंसुलेटर वाले में देखो सीबी का मतलब कोवेलेंट बॉन्ड, और वीबी का मतलब क्या हो जाता है वैलेंसी बॉन्ड, तो कोवेलेंट बॉन्ड जो है कौन है सबसे ऊपर है, समझ में आ रही है बात, और वैलेंसी बॉन्ड कहां है बिल्कुल नीचे है, तो यानी दोनों के बीच में क्या हो गया बताना जरा, लार्ज एनर्जी गैप, बहुत बड़ा एनर्जी गैप आ गया, समझ में आ रही है बात, और इसी का नाम मैंने आपको बताया था फॉरबिडन जोन बोलते हैं। थर्ड पर आ जाते हैं सेमीकंडक्टर में, और सेमीकंडक्टर में क्या दिखाई दे रहा है, देखना जरा, कोवेलेंट बॉन्ड और वैलेंसी बॉन्ड दोनों के बीच में जो गैप है वो कैसा है, गैप बहुत कम है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बात समझ में, और ये जो गैप कम आपको दिखाई दे रहा है इसी को आप क्या बोलेंगे, लेस एनर्जी गैप बोलेंगे। क्लियर आ गई बात समझ में, नहीं आ गई इतनी बात, क्लियर है आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए बच्चा लोग, तो आपको समझ में आ गया होगा एनर्जी लेवल कैसे कैसे होता है, कैसे कैसे स्टडी करेंगे, इतना ही आप लोगों को पढ़ना है, बुक्स वगैरह पर नहीं जाना है, वहां पर तो पूरा लंबी चौड़ी आपको कथा लिखी मिलेगी, लेकिन उसको आपको याद नहीं रखना है, आपको एग्जाम में इतना ही प्रेफर रहेगा। ठीक है बच्चा लोग, इतनी बात क्लियर है, ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाते हैं आपके लिए मजेदार सा टॉपिक, बने रहिए हमारे साथ, सारी वीडियोस को बढ़िया तरीके से देखते रहिए, और अपना प्यार हमको जरूर दीजिए। ठीक है दोस्तों, ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, जिन बच्चों ने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेंगे, वहां पर सिलेबस बहुत सारी चीजें आपको मिलती रहेगी। ठीक है, जय हिंद।